दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं आईटीआर 1 फाइनेंशियल ईयर 23-24 या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। तो आईटीआर 1 जो है वो फाइल की जाती है ऐसे पर्संस के द्वारा जिनकी सैलरी या पेंशन की इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हो, मीन्स अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है, या फिर कोई एग्जम्प्टेड इनकम हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैं आईटीआर है आपको फाइल करके दिखाऊंगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम इसको न्यू टैक्स रिजीम में भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा हमने फिल किया होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में उसी के बेस पे जो है वो न्यू टैक्स रिजीम भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है दोस्तों, आपको एक डेमो दिखाना है कि आप आईटीआर 1 कैसे फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। बट एक्चुअल में अभी जो है आईटीआर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी टीडीएस की डिडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, तो अभी आप टीडीएस जो है अगर आपका कटा हुआ तो अभी आप आईटीआर को फाइल ना करें। फर्दर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे आपको जब आईटीआर फाइल आप करने जाते हैं तो आपको अपना 26AS अपडेटेड हो जाना चाहिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट TIS आप देख लें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करें। तो जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है और TIS है वो भी अपडेट होने में टाइम लगता है, तो करीब करीब जून में जाके सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। बट स्टिल आपका बहुत बड़ा कुछ ऐसी डिडक्शंस नहीं है, कोई TDS की डिडक्शन नहीं है, तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करके ही आईटीआर फाइल करें, ताकि कोई मिसमैच ना हो और आपको कहीं भी गवर्नमेंट का नोटिस ना आए। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बनाया है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आप लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लें। तो चलिए, सबसे पहले जब आप देखिए लॉगिन कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, तो कुछ तरीके से इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको आप AIS भी बोलते हैं, इसको चेक कर लीजिए। तो AIS के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसको प्रोसीड कर दीजिए। दोबारा से ये जो AIS आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट नज़र आ जाएगा। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डिटेल्ड फॉर्म में होता है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपका समराइज्ड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि जो आपकी सैलरी है, आपको डिविडेंड कोई आया है, कोई इंटरेस्ट आया है, कोई आपने सेल किए हैं म्यूचुअल फंड या शेयर्स परचेज किए हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए अपनी सारी ही इनकम को, आपके सारे जो ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाने वाले हैं, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। तो ये जो है हम आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए सेल भी किए हैं शेयर या म्यूचुअल फंड, तो इसके लिए तो आईटीआर 2 फाइल होनी चाहिए। तो अभी आपको ये कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो डेटा है मैं सिर्फ आपको एक सैम्पल बेसिस पे ही दिखा रहा हूँ, इसके बेस पे मैं अभी आईटीआर फाइल नहीं करूँगा। तो चलिए दोबारा से हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, आईटीआर 1 फाइल कर लेते हैं। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप ई फाइल के अंदर चले जाएँ, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए असेसमेंट ईयर 2024-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो मैक्सिमम केसेस में इंडिविजुअल ही होंगे, कंटिन्यू कर दीजिए, आईटीआर 1 सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर दीजिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद देखिए टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पर बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट जो है 2.50 लाख है, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है। वहीं अगर 60 ईयर से ज़्यादा है, मीन्स आप सीनियर सिटीजन है, तो 3 लाख रुपीज़ है, और 80 ईयर से ज़्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है, सॉरी टैक्सेबल इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से ज़्यादा है, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इनकम जो है इस लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपने कहीं 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा फॉरेन करेंसी पे तो नहीं किया है, या 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल आपका ना हो, या इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती है, तो आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दोस्तों जो टैक्सेबल लिमिट होती है, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट होती है, वो 3 लाख होती है किसी भी एज लिमिट के ऊपर। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है 60 ईयर से कम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ तो आपके 2.50 लाख से ज़्यादा है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 3 लाख से ज़्यादा की आपकी जो है वह इनकम है, टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से ज़्यादा। तो इसको आप टिक कर दीजिए और इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए इसको आप ओके कर दीजिए, जहाँ पर बताया गया है कि आपका जो डेटा आप आईटीआर फाइल करेंगे वो प्रीफिल्ड डेटा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपको मैंने AIS आपका 26AS और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जब ये अपडेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से सारा डेटा उठकर आपकी आईटीआर में आपको दिखाई देने लग जाता है। तो अब आप इस पेज पर जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो एक एक करके देखिए आपको सारे टैब फिल कर देने हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और
टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नाम वगैरह आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। थोड़ा नीचे करेंगे तो पीएसयू पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं या अदर हैं। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंप्लॉई हैं या अदर देन गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं आप बोल सकते हैं, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 139(1) के अंदर आपकी आईटीआर फाइल हो रही है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो देखिए अब यहाँ आपसे पूछेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC क्लॉज 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आप इसको येस कर दीजिए, क्योंकि अब इस साल से जो है न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। तो बाय डिफॉल्ट ही वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करवाएगा। बट अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करना चाहते न्यू टैक्स रिजीम में तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपकी बैंक की डिटेल दिखाई देगी, अब इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए आपकी जो पहली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो चुकी है। अब आप ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर जो है क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सैलरी की सारी एग्जम्पशन आपको दिखा देगा। तो देखिए सबसे पहले आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है अगर टूर या ट्रांसफर के ऊपर, उसके बाद देखिए अगर आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे फेमस एग्जम्पशन जो बहुत सारे लोगों के द्वारा क्लेम की जाती है दोस्तों, वो है हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग आता है। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा तो जैसे मैंने आपको बताया प्रीफिल्ड डेटा होता है तो आपको यहाँ पर वो नज़र आ जाएगा। बट स्टिल अगर आपका अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसी की जाती है, एचआरए कैसे निकाला जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अकॉर्डिंग, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो एक्चुअल में रेंट पे करते हैं वही यहाँ पे फिल करना होता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस सेक्शन के अंदर जो है तीन फिगर आपको कैलकुलेट करनी होती है, उसमें से जो लोएस्ट फिगर होती है उसकी ही एग्जम्पशन आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर मिलती है। तो वो कैसे फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं इसको यस कर देता हूं और यहां पे मैं 40,000 की एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर लेता हूं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए LT अगर कुछ है तो यहां डाल सकते हैं। उसके अलावा कोई और आपको अगर एग्जम्पशन मिलती है आपको तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो देखिए इस तरीके की एग्जम्पशन अगर आपको कोई मिली है तो आप यहां पर फिगर फिल कर देंगे। तो देख सकते हैं आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी अगर आपको कोई मिली है तो उस पर जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो आपको यहाँ फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ एग्जम्प्शन बताना है। तो जो आपको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिली होगी तो ग्रेचुटी का अमाउंट आपको नहीं देना है बल्कि आपको एग्जम्प्शन का अमाउंट देना है। तो इनके ऊपर भी जो सेक्शन 10 सेक्शन 10 हो गया ग्रेचुटी वाला, उसके बाद 10AA अर्न लीव वाला हो गया, उसके बाद आपका देखिए ऊपर पेंशन वाला हो गया, नीचे 10A कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, तो इनके ऊपर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जम्प्टेड अमाउंट को, तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ये सारे सेक्शन भी मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी अमाउंट तक आपको जो है एग्जम्पशन मिलती है। तो जो भी सेक्शन होगा आप चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए और उसकी अमाउंट जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए एग्जम्पशन की अमाउंट। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए जो आपकी एचआरए की एग्जम्पशन थी 40,000 वो यहाँ पर दिखा दी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ग्रॉस सैलरी में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एडिट का बटन आपको नजर आएगा इस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जो आपकी सैलरी है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो सपोज यहाँ पर आपकी 5,50,000 की पूरे साल की सैलरी है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, 40,000 की जो एचआरए की एग्जम्पशन है वो इसने ले ली है तो आपकी जो नेट सैलरी आ गई वो 5,10,000 रुपीज। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट ही मिल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलती है। तो आपकी जो इनकम चार्जेबल हो गई सैलरी हेड के अंदर वो हो गई 4,60,000। तो इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए थोड़ा सा नीचे आपको आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नजर आएगा, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, यहां पे ऐड एडिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा। तो देखिए अगर आप का जो हाउस आपने लोन पे लिया है, जो घर आपने बनाया है या आप उसको परचेज कर चुके हैं तो उस पर आपने लोन लिया होगा और उस घर में आप खुद ही रहते हैं, मीन सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ 70,000 मेंशन कर दिया है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, अपने बैंक से जो है वो लोन सर्टिफिकेट ले लेना है 31 मार्च की डेट का, तो उसके अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सेपरेटली नजर आ जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन आपको दोस्तों सेक्शन 80C के अंदर मिल जाती है, जहाँ पे 1.50 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, तो मैं यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो देखिए मैं लेट आउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो लेट आउट में देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका रेंट कितना है।
तो सपोज करें आपका 10,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट है, तो यहाँ पे जो रेंट आ जाएगा वो 1,20,000 आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स पे किया लोकल अथॉरिटी को, वो लेस कर दीजिए। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर भी ये 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे देता है। तो देखिए अगर 1,20,000 का 30% आप करेंगे तो देखिए 36,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल 70,000 हमने लिया था, वो भी यहाँ पे ले लिया है। तो इस तरीके से आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है दोस्तों, वो आ गई है 14,000 रुपीज़। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए दोबारा से आपको इस पेज पर ले आएगा जहाँ पे आपकी जो चार्जेबल सैलरी थी वो 4,60,000 थी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी आपकी जो चार्जेबल हाउस प्रॉपर्टी है इनकम वो 14,000 रुपीज़ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सेविंग बैंक से जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा आपकी FD है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको दोनों को मैं येस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5,000 सेविंग का इंटरेस्ट था, 25,000 का आपका कोई FD आपने बैंक में करवाई थी, पोस्ट ऑफिस में कराई थी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में करवाई थी, तो वो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड हुआ है तो वो यहाँ फिल कर दीजिए। कोई फैमिली पेंशन है आपकी, एनी अदर इनकम है, उसके अलावा कोई डिविडेंड की इनकम है तो आप येस कर दीजिए और उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी इनकम यहाँ पे अदर सोर्सेज की फिल हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, तो कंटिन्यू करेंगे तो दोबारा से आपको ये ले आएगा वेरीफाई योर इनकम डिटेल पे, जहाँ पे सैलरी 4,60,000 आ गई, नीचे आएंगे हाउस प्रॉपर्टी 14,000 आ गई, फर्दर नीचे आएंगे तो देखिए अदर सोर्सेज इनकम आ गई आपकी 30,000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आपकी कोई दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं तो आपकी टोटल इनकम आ गई इस तरीके से 5,04,000 रुपीज़। तो ग्रोस टोटल इनकम आपकी आ गई है 5,04,000 रुपीज़। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जम्प्टेड इनकम का कॉलम नजर आ जाएगा। तो एग्जम्प्टेड इनकम में आपको एग्जम्प्टेड इनकम दिखाना चाहते हैं, ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ही होता है। ये आपकी जो 5,04,000 की इनकम है इसको नहीं बढ़ाएगा, ये केवल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए करते हैं कि मेरी जो पैसा आपको आया है वो कहाँ से आया है। तो ऐड अनदर पे क्लिक कर दीजिए, तो नेचर ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो वो आ जाएगी। इसी तरीके से आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई कंपनसेशन मिला है कोई डिजास्टर की वजह से तो वो आ जाएगा। नीचे आप आएंगे तो देखिए 10-10D के अंदर कोई आपको अमाउंट रिसीव हुआ है अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो आ जाएगा। स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे करके स्क्रॉल डाउन करते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएंगी। अगर इनमें से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है तो आप एनी अदर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया है, जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 ऊपर नहीं दिया हुआ था, तो इस तरीके से अगर आपकी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है जो आपको नहीं दी है तो आप यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर दीजिए उसकी अमाउंट 25,000 और उसका नाम लिख दीजिए इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न ऑन रिलीफ बॉन्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। तो ये भी आपकी एग्जम्प्टेड इनकम होती है, तो वो मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दी है। तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखिए आपकी सैलरी की इनकम 4,60,000 थी। नीचे आप लास्ट में आ जाइए इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो टोटल आपकी ग्रोस टोटल इनकम 5,04,000 थी, आपकी एग्जम्प्टेड इनकम आ गई 25,000 रुपीज़। अब आप इसको जो है कन्फर्म कर दीजिए, तो जैसे ही आपने कन्फर्म की देखिए आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो कन्फर्म हो चुकी है जो कि 5,04,000 रुपीज़ है। उसके बाद आप जो टोटल डिडक्शन का टैब है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे सेक्शंस के अंदर डिडक्शन नजर आ जाएगी। तो अगर आपने कोई डोनेशन दी है दोस्तों, 80GGC के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल पार्टी को, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो देखिए सबसे फेमस सेक्शन जो कि 80C है, जहाँ पर आपका कोई प्रोविडेंट फंड कटता है, इसके अलावा PPF है, कोई LIC प्रीमियम पे करते हैं, 5 साल की आपकी FD है, होम लोन प्रिंसिपल है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इन सब के अंदर अगर आपका 1.50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आप इसको येस कर दीजिए और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा सेक्शन 80CC सबसेक्शन 2 के अंदर अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है NPS में तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, अगर कुछ है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो सेक्शन 80D के अंदर अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप यहाँ पे भी इसको जो है क्लिक कर देंगे। उसके बाद 80E आ गया एजुकेशन लोन। 80TTA में देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में फिर सेक्शन 80TTA के अंदर आपको जो बैंक इंटरेस्ट मिला है, जो बैंक से इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे ध्यान रखें आपको FD का इंटरेस्ट और RD का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है और वो भी केवल 10,000 रुपीज़ तक मिलता है। तो आप इसको येस कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा था मैंने वहाँ पे अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम पकड़ी थी सेविंग बैंक के ऊपर 5,000 रुपीज़ की, उसकी डिडक्शन जो है हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। उसके अलावा कोई और डिडक्शन है तो आप येस कर सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो कंटिन्यू करेंगे तो देखिए 80C के अंदर हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट ली थी वो आ गई। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए तो देखिए 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो अब यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5,000 मैक्सिमम 10,000 तक की आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल सकती है, तो मेरा जो अमाउंट था वो 5,000 का
था इंटरेस्ट का, तो वो सारा ही मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो इसको ऐड कर दिया है तो 80C 10,000 आ गया है, 80TTA 5,000 आ गया, तो थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा। अब इसको मैं कंफर्म कर दूँगा क्योंकि मेरी टोटल जो डिडक्शन है वो 15,000 की है, तो कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए आपकी जो टोटल डिडक्शन है वो 15,000 की आ चुकी है। उसके बाद टैक्स पेड पर चले जाइए, कोई भी टैक्स पेड नहीं है दोस्तों। अगर TDS VDS होगा तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी इसको जो है अपडेट होने में टाइम लगेगा सारा ही। जब 26AS आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी TDS आपका कटा होगा यहाँ पर दिखा देगा। तो अभी ये यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये जो पोर्टल है अभी अपडेट नहीं हुआ है। तभी मैंने आपको बताया था अगर आपकी TDS की डिडक्शन है तो अभी आप जो है ITR फाइल मत कीजिए। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, इसको कन्फर्म कर देंगे, उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आएंगे। तो देखिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी में सबसे पहले आपकी इनकम दिखाएगा, ग्रोस टोटल इनकम 5,04,000 की थी, डिडक्शन आपको 15,000 की मिली, तो टोटल इनकम आपकी आ गई दोस्तों 4,89,000। तो इस 4,89,000 पे क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ITR फाइल कर रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5,00,000 क्रॉस नहीं करती है तो उस केस में मैक्सिमम 12,500 तक की आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो आपकी जो इनकम आई है 4,89,000 की, इसके ऊपर जब आप टैक्स स्लैब लगाएंगे, देखिए दोस्तों ये टैक्स स्लैब लगा दिया है जहां पर 2.50 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5,00,000 तक आपका 5% पे करना पड़ता है। तो आपका कायदे से जो टैक्स बनेगा यहाँ पे आपका इस इनकम के ऊपर 4,89,000 के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 11,950। तो अब क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5,00,000 क्रॉस नहीं की है तो आपको पूरा ही अमाउंट जो है वो रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A के अंदर, और आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप नीचे आ जाएंगे, अब आप इसको कन्फर्म कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ITR फाइल कर ली। अब मैं दिखा देता हूँ आपको न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या करना है। तो आप दोबारा से देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जब आप आएंगे, जहाँ पर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया था ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम का, अब मैं बोल देता हूं कि मैं जो है ऑप्ट आउट नहीं करूंगा न्यू टैक्स रिजीम से, मींस मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही ITR फाइल करूंगा, तो मैं इसको नो कर देता हूं। और अब नीचे आ जाता हूं, अब इसको कंफर्म कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों जो भी हमने इनकम की डिटेल भरी थी वो सारी ऐसे ही रहने वाली हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट आप देख सकते हैं जो ग्रॉस टोटल इनकम थी आपकी, अब वो 5,44,000 आ चुकी है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको मैं दिखाऊं ये जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वो 5,04,000 की। तो देख सकते हैं आप न्यू टैक्स रिजीम में आने से क्या चेंज हुआ। न्यू टैक्स रिजीम में आने से ये चेंज हुआ, देखिए जो 5,04,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में था अब वो बढ़कर 5,44,000 हो चुका है, क्योंकि जो HRA हमने क्लेम किया था 40,000 रुपीज़ का, HRA की एग्जम्पशन आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो आपकी इनकम हो गई है बढ़ के वो 5,44,000 हो चुकी है। तो अब मैं इसको जो है क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जब सैलरी एग्जम्पशन पे आते हैं वहाँ बहुत सारे एग्जम्पशन आपको दिखा रहा था, HRA वगैरह के एग्जम्पशन दिखा रहा था, तो देखिए LT के एग्जम्पशन दिखा रहा था, वो सारी ही एग्जम्पशन अब गायब हो चुकी हैं। तो केवल कहने का मतलब है केवल ये तीन ही एग्जम्पशन आपको मिलने वाली हैं अगर आप एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए एग्जम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपने टूर और ट्रांसफर पर कोई कॉस्ट इनकर्ड किया तो उसका खर्चा आपको एलिजिबल हो जाएगा, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, और कोई और एग्जम्पशन होगी सैलरी इनकम से वो मिल जाएगी। तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए 550 में से जो आपकी एग्जम्प्टेड अलाउंस थे 40,000 वो आपको नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी नेट सैलरी 550 आ गई है, डिडक्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलने लगी है दोस्तों, ये पहले नहीं मिलती थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जिसकी ITR ये फाइल करें उसमें आपको ये भी मिलेगी। तो आपकी जो टोटल इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गई है वो 5,00,000 रुपीज़ हो गई है। थोड़ा नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं रहने वाला है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको 70,000 की इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती थी यहां पर भी मिलेगी। बट यहां एक बात आपको मैं बताऊं, यहां आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि यहां पर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। अगर यहां पे आपका हाउस लेट आउट ना होता, वो सेल्फ ऑक्युपाइड होता, तो उस केस में फिर ये आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 70,000 है इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप होम लोन की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं इंटरेस्ट की, तो आपका जो हाउस है वो लेट आउट होना चाहिए, वहां से रेंटल इनकम आनी चाहिए। अगर रेंटल इनकम नहीं आ रही है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, खुद रहते हैं, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। थोड़ा नीचे आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, इनकम सेम रहेगी, एग्जम्प्टेड इनकम सेम रहेगी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे देखिए तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो जैसे ही कंफर्म किया तो देखिए आपकी ग्रोस टोटल इनकम 5,44,000 कंफर्म हो चुकी है। तो HRA की डिडक्शन आपको नहीं मिली है, इसलिए आपकी इनकम बढ़ गई है। तो अब देखिए अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं ओल्ड टैक्स रिजीम में, हम देख लेते हैं कि आपको जो टोटल डिडक्शन मिली थी वो कितने की मिली थी। तो देखिए दोस्तों आपको जो टोटल डिडक्शन मिली थी, अगर हम वो चेक कर लेते हैं कितनी मिली थी, तो देखिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टोटल डिडक्शन भी मिली थी 15,000 रुपीज़ की, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपको कैसे नहीं मिलेंगी। तो टोटल डिडक्शन पे देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एक बार मैं आता हूँ यहाँ पर। तो देखिए न्यू, यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में हम आ गए हैं, हमने ग्रोस टोटल इनकम कन्फर्म कर दी है 544 की। अब देखिए टोटल डिडक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने टोटल डिडक्शन पे क्लिक किया, तो जो 5,000 की डिडक्शन थी सेक्शन 80 TTA के अंदर जो हमने इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम की थी वो आपको नहीं मिली है यहाँ पर।
तो वो आपकी गायब हो गई है। केवल यहाँ पर आपको एक ही डिडक्शन मिलती है, वो मिलती है सेक्शन 80 CCD 2 की, जहाँ पर NPS के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये एक ही डिडक्शन आपको मिलती है। दूसरा, वहाँ पे हमने 5,000 के अलावा ओल्ड टैक्स में 10,000 की 80C की डिडक्शन भी क्लेम की थी, तो वो 80C की डिडक्शन भी यहाँ नहीं मिलने वाली है। तो आप देखेंगे जब डिडक्शन के कॉलम में आएंगे तो 80C आपका गायब कर दिया है, और वहीं आपका 80 TTA जहाँ पे आपने 5,000 का इंटरेस्ट लिया था वो भी गायब हो गया। केवल एक ही डिडक्शन आपको नजर आ रही है, तो इसमें हमने कुछ फिल नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे जीरो ही रहेगा। तो देखिए 80C जीरो हो गया है, 80 TTA जीरो हो गया है, आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो आपकी टोटल डिडक्शन भी देखिए दोस्तों जीरो हो चुकी हैं। तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।